नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपके फिर से एक नई वीडियो के साथ यूट्यूब पे। और आज मैं आपको बताऊँगा, यदि आपका फ़ोन रिसेट हो गया है या फिर आपकी फ़ोटो डिलीट हो गई है, तो आपकी फ़ोटो जैसे गैलरी से डिलीट हो गई या फ़ोन को रिसेट कर दिया है, तो आप वो कैसे 100% फ़ोटो को वापस पा सकते हैं और जितनी भी पुरानी फ़ोटो होगी सभी आपकी फ़ोटो वापस आ जाएंगी। ये ट्रिक आपको हमेशा ऑन रखना है और हमेशा आप रखना है। किन किन बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके यदि जीमेल आईडी जो बनी हुई है तो जीमेल आईडी जो बनी हुई है आपकी, तो जीमेल आईडी आपको वही होना चाहिए। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो जो आपका नंबर डला होगा उस नंबर में आपको उसको फॉरगेट करके आप उसको पासवर्ड को फिर से याद कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपकी गैलरी में फ़ोटो आपकी डली हुई है और वो फ़ोटो फॉर्मेट कर दिए हैं और फ़ोटो को डिलीट कर दिए हैं, तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे कैमरे में ये फ़ोटो डली हुई है और ये फ़ोटो को आपको क्या करना है, डिलीट करना है या फिर आपको गलती से डिलीट हो गई और फिर से आपको वापस चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग में आप यहाँ रहेंगे तो सबसे पहले सेटिंग्स में आपको सिंक्रोनाइज़ का ऑप्शन जो रहेगा, तो सेटिंग्स में आपको सिंक्रोनाइज़ को ऑन करना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज़ को ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सब फ़ोनों में अलग अलग आपको मिलता है उसमें, तो आपको यूजर्स और अकाउंट में आना पड़ेगा। अकाउंट में आने के बाद आपको जो गूगल का अकाउंट होगा, ये आप जैसे देख सकते हैं गूगल का अकाउंट मेरा बना हुआ, तो गूगल का अकाउंट को जो आपका रहेगा तो यहाँ पर से आपको उसको सिंक्रोनाइज़ में आपको ऑन रखना है। तो सिंक्रोनाइज़ में सभी को आपको ऑन रखना है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ से बैक होना है, होम में आना है। होम में आने के बाद आपको गूगल के जो ऐप्स होंगे, तो गूगल ऐप्स में आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। क्या करना है, डाउनलोड आपको होना चाहिए गूगल फोटोज़ करके आपकी रहेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें गूगल फोटोज़ नहीं डली हुई है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उसको प्ले स्टोर से उसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो प्ले स्टोर में आऊँगा, तो प्ले स्टोर में आने के बाद मैं सर्च करूँगा गूगल फोटोज़ को, मैं सर्च करूँगा। तो आप जैसे देख सकते हैं सर्च में आ गया गूगल फोटोज़ में, तो आप देख सकते हैं ये डला हुआ है मगर मेरी स्क्रीन में कहीं पर ये शो नहीं कर रहा है कि कहाँ पर डला हुआ है। तो इसको मैं ओपन करूँगा, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर से आपको देखना है, ये ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर से आपका जो होगा तो सब यहाँ पर से आपको लाइब्रेरी जो होगी तो आपकी गैलरी में सभी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ इसमें मेरे इसमें आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप इसमें पुरानी फ़ोटोज़ को आप यहां से ले सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर से आना पड़ेगा जहां पर आपका जीमेल का बता रहा होगा। तो जीमेल में आने के बाद यहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपको यहां पर से आप देख सकते हैं आपका यहां पर जीमेल आईडी बता रहा है। जीमेल आईडी आप बताने के बाद आपको यहां पर बैकअप इज ऑफ बता रहा है, तो देख सकते हैं इसमें बैकअप आपका ऑफ बता रहा है। फिर इसके बाद आपका आता है सेटिंग्स आता है, सेटिंग्स में आपको आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आप जैसे देख सकते हैं कि यहां पर आपका नोटिफिकेशन हो गया, बैकअप हो गया, फिर बैकअप के बाद आपको यहाँ पर ग्रुप हो गया, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या ऑन करना है। लोकेशन हो गई, तो लोकेशन में आपको देख सकते हैं फ़ोटो जो आपकी लोकेशन की होगी तो वो लोकेशन को आपको यहाँ पर बताएगी कि कौन कौन से लोकेशन में आपका फ़ोटो हुई है और कौन कौन सी फ़ोटो आप कहाँ पर खींचे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर इसके बाद आपको सबसे पहले आपको यहाँ से सेटिंग्स में इसको जो आप करेगा तो इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं जो इसमें स्टोरेज मांग रहा है, तो स्टोरेज में आप जैसे देख सकते हैं कि मेरा टोटल इसमें 14 GB स्टोरेज दिया है, 15 GB है तो लेफ्ट हो चुका है 1 GB और इसमें आपको गेट मोर स्टोर चाहिए, तो आप यहाँ पर से इसको बाई कर सकते हैं। बाई करने के लिए आपको ख़रीदना पड़ेगा और देख सकते हैं कितने रुपये में क्या मिल रहा है आपको गूगल के तरफ से। तो यहाँ पर से आपको पिक्चर क्वालिटी को भी ध्यान में, तो यहाँ पर से आपको यहाँ पर से बाई भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर से स्टोरेज में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो स्टोरेज ले रहा है तो आपको हाई में रखना है, स्टोरेज सेवर में रखना है, एक्सप्लोर में आपको रखना, लो क्वालिटी आपको इसमें मिलेगी। तो इसमें आपको 3 मेगा पिक्सल का कैमरा करेगा और इसमें आपको 16 मेगा पिक्सल का रहेगा। ओरिजिनल में आप डालेंगे तो ओरिजिनल में आप जैसे देख सकते हैं फुल साइज आपको रहेगी, 15 GB तक आपको रहेगा। तो इसमें आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यूजेस किस में करना है, आपको मोबाइल डाटा में लिमिट में आपको 5 MB, 10 MB और 30 MB तक आप इसमें बैकअप का वो कर सकते हैं। आप बाकी आप वाईफाई से भी कर सकते हैं। और फोल्डर आप यहां से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से फोल्डर रखना है। तो आप देख सकते हैं मैजिकल लॉक हो गया, पिक्चर हो गया, स्क्रीनशॉट हो गई, व्हाट्सअप इमेज हो गया, सेव इमेज हो गया और सेव इमेज दो हो गए। तो आप इसमें जैसे पिक्चर में आपको बैकअप रखना है तो बैकअप रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट में लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट का ले सकते हैं। फिर इसके आप व्हाट्सअप का रखना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर से आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो जो आपका बैकअप होगा तो वो बैकअप ऑटोमेटिक आपका ले लेगा। और मैनेज स्टोरेज में आप आते हैं तो मैनेज स्टोरेज में आपको यहाँ पर से जो रहेगा तो आपको इसमें बता देगा कि आपको कितने MB कितने में यूज हुई है और किस चीज़ में आपको डली हुई है। तो कभी भी आपका यदि फ़ोन फॉर्मेट होता है या फ़ोन कुछ होता है तो आपका क्या रहेगा, जो स्टोरेज रहेगा तो आपको पूरी तरह से फ़ोटो वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पास आ जाएगी। तो लाइब्रेरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पास लाइब्रेरी में मेरी बता रहा है।
और यहाँ पर से आप उसको रिसाइकल बिन में आपको यहाँ से भी डिलीट कर देते, तो आपको यहाँ पर से रिसाइकल बिन में भी आपको फ़ोटो वगैरह यहाँ पर से आपको मिल जाएगी। तो यदि आपका जीमेल आईडी आपको पता है या फिर आपको जीमेल की पूरी जानकारी, तो आप इसको फ़ोटो को रिकवर कर सकते हैं। और यदि आपको जानकारी नहीं तो आपको रिकवर करने में ज़्यादा समस्या होगी। तो इस तरह से आप अपने किसी भी स्मार्टफोन में आपका फ़ोटो वगैरह डिलीट हो गई है, फॉर्मेट हो गया, तो उसको बहुत ही आसान तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो आई होप की वीडियो आपको समझ में आ गई हो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखें सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।